नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 11 के बारे में। 10 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 250 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, आज बात करेंगे 251 नंबर क्वेश्चन से। तो 251 नंबर क्वेश्चन है, किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है। किसी भी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखा है कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, मेष प्रकार वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग। तो इनमें से कौन सी वाइंडिंग आम वाइंडिंग होती है जो सिंगल फेज में हमेशा लगाई जाती है, जो एक पेज में हमेशा लगाई जाती है वह वाइंडिंग कौन सी होती है। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को, और लाइक शेयर सभी को करना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग। कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जो सिंगल फेज में सबसे ज्यादा आम होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सपाट छत वाली इमारत के शीर्ष और ओवरहेड निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस न्यूनतम कितना होना चाहिए। वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर, 2.4 मीटर, 2.43 मीटर, 2.439 मीटर। तो कितना होना चाहिए क्लियरेंस, वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न या मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस कितना होना चाहिए न्यूनतम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.439 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय कॉन्टैक्ट निम्नलिखित में से किससे परिचालित होता है। चुंबकीय कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर, योक, कुंडली, इनमें से कोई नहीं। तो किससे परिचालित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली द्वारा। किसके द्वारा, कुंडलन द्वारा, कुंडलन को वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति कौन सी है। इनमें से सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है CTS वायरिंग, अस्थाई वायरिंग, क्लिट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो इनमें से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग होती है, चलिए कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। कौन सी होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है। व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसका क्या उपयोग है। ऑप्शन दे रखा है अज्ञात वोल्टेज पता करना, अज्ञात शक्ति पता करना, अज्ञात प्रतिरोध पता करना, या फिर अज्ञात फ्रीक्वेंसी पता करना। तो इनमें से व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी, और सभी दोस्त लाइक जरूर करना है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध को पता करना ही व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब भी कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो चालक में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यह कौन सा नियम है। ऑप्शन है कुलम्ब का नियम, फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, फेराडे का नियम। तो कौन सा नियम होता है ये, जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो चालक में एक EMF उत्पन्न होता है, EMF प्रेरित होता है, तो वह नियम कौन सा है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेराडे का नियम। क्या होता है,
फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर को शून्य से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दे रखा है, गति तेजी से बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है, गति तेजी से घट जाती है, गति थोड़ी घट जाती है। और ऑप्शन डी है, गति परिवर्तित रहती है। तो गति पर क्या परिवर्तन होता है गति में, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड तक स्थिति तक बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति थोड़ी घट जाती है, गति थोड़ी घट जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, अर्थात 5% के लगभग कम होती है, लगभग 5% के लगभग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान क्या होता है। बड़े पावर स्टेशन शक्ति स्टेशन में पृथ्वी का प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0.1 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम या फिर 5 ओम, तो कितना होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बड़े पावर स्टेशनों में पृथ्वी का प्रतिरोध कितना रखा जाता है, कितना होता है उनका मान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 ओम। कितना हो जाएगा? 0.5 ओम, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है। ऋणात्मक पोल किस पदार्थ का बना होता है? एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, कार्बन, तो किसका बना होता है शुष्क सेल का, ड्राई सेल का ऋणात्मक पोल किसका बना होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। तो जस्ते का बना होता है ऋणात्मक पोल, और अगर धनात्मक की बात करें तो वह बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आईजीबीटी के 3 टर्मिनल क्या है। 3 टर्मिनल होते हैं तो वे क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखा है, संग्राहक, उत्सर्जक और बेस। संग्राहक, उत्सर्जक और गेट, बेस, स्रोत और नाली, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 टर्मिनल होते हैं तो वे कौन कौन से होते हैं आईजीबीटी के, चलिए बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं या इनमें से नहीं होते, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। कौन से होते हैं 3 टर्मिनल? संग्राहक, उत्सर्जक और गेट। संग्राहक को कलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक को कलेक्टर, और उत्सर्जक को एमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है। विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है? धनात्मक विद्युत वाहक बल, विपरीत विद्युत वाहक बल, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल, या फिर काउंटर विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंटर ईएमएफ। क्या हो जाएगा? काउंटर विद्युत वाहक बल, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैंप विभिन्न आकारों और रंगों में बनाया जा सकता है। इनमें से कौन सा लैंप है जिनको विभिन्न आकारों और रंगों में बनाया जा सकता है? फ्लोरोसेंट लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा लैंप है जिसको अलग अलग आकार में और रंगों में बनाया जा सकता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन लैंप। कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है? पारे का स्तंभ, कार्बन का घन, तांबे का घन, या तार की इकाई लंबाई। तो
तो कैसे परिभाषित किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारे का स्तंभ। क्या कहा जाता है? पारे का स्तंभ, या फिर इसे मरकरी का कोलम भी कह सकते हैं। मरकरी का कोलम, स्तंभ को क्या कहते हैं? कोलम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए? किस प्रकार से एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है किस प्रकार से? ऑप्शन है, इसके साथ श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर, इसके साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर, इसके साथ श्रेणी में कैपेसिटर जोड़कर, इसके साथ समानांतर में कैपेसिटर जोड़कर। तो किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार से एमीटर में बदला जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर। क्या हो जाएगा? इस गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर इसे एमीटर में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? भूयोजन तार या भूमिगत तार, जिसे अर्थ तार भी कह सकते हैं, तो यह किस आकार, किसका आकार पर आधारित होता है? भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर, सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर, मिट्टी की प्रतिरोधकता पर, या फिर ये व सी दोनों पर? तो किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए किस पर आधारित होता है इसका आकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों पर ही, अर्थात भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर और मिट्टी की प्रतिरोधकता पर, दोनों पर ही निर्भर करता है, अर्थात दोनों पर ही आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए व सी दोनों ही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है? स्टोरेज बैटरी होती है जिसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है उसकी? ऑप्शन दे रखा है, उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने में, डिस्चार्ज करने में, इसे ताजा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में, या फिर सल्फेशन रोकने में। तो कैसे सहायता की जाती है ट्रिकल चार्जिंग विधि द्वारा? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ट्रिकल चार्जिंग द्वारा कैसे सहायता दी जाती है स्टोरेज बैटरी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ताजा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए ट्रिकल चार्जिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आवेशित आयन, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसे संग्रहित की जाती है सीसा अम्ल बैटरी में? लेड एसिड बैटरी को सीसा अम्ल बैटरी भी बोल सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, जिसे केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, केमिकल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए किस वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? PVC, बेटन, क्लीट, लेड, सीतड़। चलिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटन। कौन सी वायरिंग की जाती है? बेटन वायरिंग, बेटन वायरिंग, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? घरेलू उद्देश्यों के लिए कौन सी वायरिंग की जाती है? बैटन, क्लेट, कॉन्ड्यूट, या केपिंग।
चलिए बताइए क्या होगा। घरेलू उपयोगों के लिए कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंड्यूट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग सेतु परिशोधक में डायोड होते हैं। पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर। सेतु परिशोधक का मतलब है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें कितने डायोड होते हैं पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में? ऑप्शन दे रखा है, एक डायोड, दो डायोड, तीन डायोड, चार डायोड। तो कितने डायोड होते हैं पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार डायोड। कितने डायोड होते हैं? चार डायोड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर की स्थापना सरल व आसान होती है? ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी सरल व आसान स्थापना की जाती है? उसकी स्थापना सरल व आसान होती है। चलिए बताइए, एक फेज ट्रांसफार्मर, दो फेज ट्रांसफार्मर, तीन फेज ट्रांसफार्मर या चार फेज ट्रांसफार्मर? तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है जिसकी स्थापना सरल व आसान होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन फेज ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विभव ट्रांसफार्मर होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टेज में कम कर परिवर्तन, मापक यंत्रों तथा रिले के साथ आपूर्ति के विभव को बढ़ाना, अधिक मात्रा की शक्ति को स्थानांतरित करना। तो किसके लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापक यंत्रों तथा रिले के साथ। किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? मापक यंत्रों तथा रिले के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के, केवल धारामान के, समय के या धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के? तो किसके समानुपाती होता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा की मात्रा एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन है, उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की किस्म पर या उपरोक्त सभी पर। तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पदार्थ की किस्म पर निर्भर करती है विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? उसके पदार्थ की किस्म पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ही तत्वों के जिन परमाणुओं का परमाणु भार समान नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जो परमाणु होते हैं एक ही तत्व के बने होते हैं तो उनके परमाणु भार समान नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है, समभारी, समरूपी, समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्या कहा जाता है उन्हें? समस्थानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।